मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज के हेडलाइंस पर। अमरोहा के हसनपुर ब्लॉक में सीओ कार्यालय पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए वाहन चालकों पर जाति सूचक शब्दों सहित हमले का आरोप लगाया। बता दें कि शनिवार की दोपहर को आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव दुल्हेपुर अहिर का एक परिवार नगर के ब्लॉक परिसर में क्षेत्राधिकारी श्रेष्ठ ठाकुर के कार्यालय पर पहुंचा, जहां उन्होंने परिवार के लोगों सहित विरोध प्रदर्शन किया। मामले में मलखान सिंह ने कहा कि गांव के करीब 8 से 10 लड़के तेजी से वाहन चलाते हैं, जिनसे मना किया जाता है तो वह गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रदर्शन क्या है, क्या मामला? प्रदर्शन ये है, 8-10 लड़के हैं, वाहन चलाते हैं गाँव कौन ये है दीपक, शिवम और चंद्रशेखर, एक प्रदीप है, कनवीर है, शिवम है, दीपक है और साहब मुकेश है और क्या नाम है, अमित है, भूदेव है, मुनेश है, ये लोग हैं। ये वाहन चलाते हैं और कल ला के इन्होंने रात घर पर हमला करा, मारपीट करी, ढेर चमार बोला कि हमारे बगैर खिलाफ तुम थाने को क्यों गए? किस बात का? मोटरसाइकिल चलाने के पीछे। क्यों? कि मोटरसाइकिल तेज चलाते हैं, हमने मना करी मत चलाए करो, कि हम तो ऐसे चलाएंगे, हम तो ऐसे चलाएंगे, जिसका रोका जाए वो रोक लेना। हम साहब हमने 100 नंबर को फ़ोन करा, 100 नंबर ने हम थाने को भेजे, थाने पहुँचे, थाने वालों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। कब की घटना है ये? रात 7:30 बजे की। अब क्या करना है यहाँ? रात 7:30 बजे, फिर 7:30 बजे के बाद हम थाने से आए, 10:30 बजे लौट के वापसी। अब क्या करना है? दोबारा हमला, हम ये चाहते हैं साहब इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अब क्या करना है उसे? साहब है एप्लीकेशन देना है। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली में एडीएम व सीओ ने शिकायतें सुनी। आपको बता दें कि शनिवार को कोतवाली परिसर में थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें अपर जिलाधिकारी विनय कुमार व क्षेत्राधिकारी श्रेष्ठ ठाकुर ने शिकायतें सुनी। वहीं 2 राजस्व व 1 विद्युत विभाग समेत 3 शिकायतें दर्ज की गयी, जिसमें अपर जिलाधिकारी विनय कुमार ने संबंधित अधिकारी को शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए। अमरोहा के हसनपुर में समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने नवीन मंडी में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। बता दें कि शनिवार के दोपहर में नगर की नवीन मंडी परिसर में राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह धारीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह धारीवाल ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय पर सौंपते हुए कहा कि गन्ने का भुगतान मैं ब्याज अभिलंब किया जाए, जब तक किसानों का पूर्ण भुगतान नहीं होता तब तक उनकी सभी तरह की देनदारियों पर रोक लगा दी जाए। राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक तहसील में किसानों की समस्या संबंधी धरना दिया गया है। 9 सूत्री मांग पत्र अधिकारी सौंपा गया है। इसमें किसानों की मुख्य रूप से गन्ना संबंधित, गन्ने के पेमेंट संबंधित, बिजली बिल संबंधित मांगे और जो उनकी पशु आवार पशु खेतों में नुकसान करते हैं उनकी मांगे, सभी मांगे उसमें। और हमने एक मुख्य बिंदु अपने हसनपुर का भी लगाया, उसने व्यक्ति अपनी तरफ से 2-3 बार अपने मिल की कैपेसिटी बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है, परंतु आज उस पर कार्रवाई हुई।